नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वर्तमान निदेशालय ने बता दें कि शुक्रवार को लैंड फॉर बता दें कि जॉब स्कीम को लेकर बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान ईडी ने दिल्ली के और बिहार साथ ही यूपी में 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी लालू यादव और उनके करीबियों के यहाँ पर पड़े हैं और साथ ही इससे पहले भी सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी से पूछताछ भी की थी। इससे पहले भी ईडी ने की टीम ने शुक्रवार को आरजेडी के पूर्व विधायक और साथ ही बता दें कि इस दौरान पटना स्थित घर पर भी छापेमारी की गई। इससे पहले सीबीआई ने सोमवार को पटना में राबड़ी देवी के आवास पर उनसे पूछताछ भी की थी। इससे पहले दिन में बता दें कि सीबीआई की टीम ने दिल्ली में मीसा भारती के घर पर भी पहुंची थी और यहां पर सीबीआई ने लालू यादव से कई घंटों तक पूछताछ की थी। लालू यादव अभी दिल्ली में मीसा भारती के घर पर रुके हुए हैं। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर यह केस 14 साल पुराना है और इस वक्त लालू यादव रेल मंत्री थे उस वक्त, और इस दौरान दावा है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उन्हें जमीन लिखवा ली थी। बताते चले कि लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे और उन्होंने सीबीआई ने इस मामले में 18 मई को केस दर्ज किया था। सीबीआई के मुताबिक लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर बता दें कि रखा गया रहा था और भर्ती कराई जा रही थी और तब जाकर उनके परिवार ने ज़मीन का सौदा किया जा रहा था, तब उन्हें रेगुलर कर दिया गया था। और साथ ही सीबीआई का कहना है कि पटना में लालू यादव के परिवार ने 1.5 लाख वर्ग फीट ज़मीन पर कथित तौर पर कब्जा कर रखा है। इस ज़मीन पर सौदा नकद में हुआ था, यानी लालू परिवार ने नकद देकर इस ज़मीन को खरीदा था। सीबीआई ने मुताबिक यह ज़मीन बेहद कम दामों में बेच दी गई थी। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता आज दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला आरक्षण बिल की मांग को लेकर एक दिन की भूख हड़ताल पर रही है। वहीं बता दें कि संसद के बजट सत्र में महिला आरक्षण बिल लाने की मांग कर रही है और उन्हें उनके साथ 17 विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद है। उन्होंने कहा है कि महिला आरक्षण बिल जरूरी है और इसे जल्द से लाने की जरूरत है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब तक ये बिल नहीं आएगा तब तक ये प्रदर्शन नहीं रुकेगा। यह बिल देश के विकास की वो मदद करेगा। और साथ ही हालांकि पहले दिल्ली पुलिस ने धरना देने की परमिशन नहीं दी थी, इस पर कविता ने कहा था कि परमिशन पहले दे दी गई थी और अब अचानक इसे रद्द कैसे किया जा सकता है, मैं इस बारे में पुलिस से बात करूंगी। आपको बता दूं कि कविता ने कहा था कि पिछले 27 सालों से महिला आरक्षण बिल के लिए संघर्ष चल रहा है। कविता का कहना है कि कितनी भी सरकारें बदली उसे मंजूरी नहीं मिली और बता दें कि विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होना चाहिए। हम इस विधेयक के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बीजेपी ने 2014 से 2019 के चुनाव में महिला आरक्षण बिल का वादा किया था लेकिन अब तक इस बात को पूरा उन्होंने नहीं किया है। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने कविता को 11 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस पर उन्होंने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। कविता का कहना है कि जहां चुनाव होता है वहां मोदी से पहले प्रवर्तन निदेशालय पहुंच जाती है। कविता ने आगे कहा है कि मैं जंतर मंतर पर धरना के बाद ईडी के सामने पेश होने के संबंध में अपनी टीम से सलाह मशवरा करूंगी और मैं जांच पर पूरा सहयोग करूंगी। इससे पहले 12 दिसंबर 2022 को कविता से सीबीआई हैदराबाद में करीब 7 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। अब खबर झांसी से है जहां पर सिपड़ी बाजार थाना क्षेत्र के साहनी विहार कॉलोनी में एक युवक की सीने पर पत्थर से उसे कुचलकर हत्या कर दी गई है और बता दें कि हत्या के बाद से लगातार प्रशासन इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और घटना का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है लेकिन पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है, उसे पूछताछ की जा रही है। वहीं सिपड़ी बाजार में बौद्ध नगर बता दें कि मसीहागंज निवासी 22 वर्षीय शीलू अहिरवार आज बता दें कि साहनी विहार कॉलोनी में किसी काम से गया हुआ था। जब वे कॉलोनी के गेट पर खड़ा था तभी एक युवक उसके
पास आया। आसपास के लोगों के अनुसार दोनों के बीच विवाद भी हुआ है। इस विवाद के चलते आरोपी ने शालू के सीने पर पत्थर से उसे वार किया और इस दौरान उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के वारदात होते ही कॉलोनी और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। अनरफानन में आरोपी युवक की तलाश कर उसे दबोच लिया गया है। फिलहाल उसे पूछताछ की जा रही है। वहीं शीलू की शादी लगभग 6 महीने पहले ही हुई थी। हत्या की सूचना से पत्नी और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की शादी समारोह में केटरिंग का कार्य करता था। कौन लोग थे, किसने किसने मारा है? उधर ही मोहल्ला के हैंगे, 4-5 मोड़े मारा। वो तो सब्जी की केके गाओ। कहाँ की घटना थी? साइनिंग कॉलोनी के गेट की। जो केके गाओ मौसी सब्जी ले आ रहे, फिर करारी चल रहे, हमारी मम्मी रद करारी देवे। अध्यक्ष सीपरी को अवगत कराया। मौके पर थाना अध्यक्ष सीपरी फोर्स के साथ मौजूद हैं। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है तथा तहरीर लेकर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। झांसी में नदी में युवकों के डूबने का मामला सामने आया है। वहीं बता दें कि पुलिस प्रशासन लगातार जांच में जुटी हुई है। दरअसल नदी में खनन के दौरान गहरे खड्डे हो गए थे और इस दौरान नदी में नहा रहे सभी लोग अचानक गोते खाने लगे। वहां बता दें कि मौजूद अन्य लोग ने नदी में गोते खा रहे लड़कों को बाहर निकाला, लेकिन 6 लोगों में से नदी में से बाहर सिर्फ 4 लोग ही निकल सके। बाकी 2 युवक सुरेंद्र और सुनील बाहर नहीं निकल सके, जिसकी खोजबीन जारी है। नदी पे मतलब 10-12 लड़के नहाने आए जी, और उसमें जो तैर नहीं पाते थे तो कुछ डूबने लगे। जो 2 लड़के रह गए हैं इनको निकालने के चक्कर में वो डूब गए हैं। वो अभी तक नहीं मिले, प्रशासन ने 6 घंटा लगा दिए और अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही उनकी। और जो पुल के पास में जो 40-60 फुट गहरे गड्ढे हैं, जो प्रशासन की इतनी कमी है कि उठना नहीं चाहिए वालों, इतने गहरे गड्ढे पुल के पास में नहीं होने चाहिए। जो पुल के पास में इतने गहरे गड्ढा करवा दिए है, जो सिर्फ पुलिस प्रशासन की कमी, शासन की कमी है। वही झांसी के सिपड़ी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए हत्याकांड के मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। अचानक से सिपड़ी बाजार थाना के अंतर्गत लात घूंसे चलने लगे। आपको बता दें कि हत्या होने के बाद से मृतक के परिजन थाने में ही डेरा डाले हुए थे और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते नजर आ रहे थे। इसी बीच मृतक के परिजनों ने देखा कि 2 आरोपी थाने में ही खुलेआम घूम रहे हैं। परिजनों ने आरोपी को देखते ही पकड़ लिया और थाने में ही जमकर दोनों आरोपियों की जमकर पिटाई शुरू कर दी। तब तक थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें बचा पाते, तब तक परिजनों ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। वही जालौन में तिमारदार से बदसलूकी के बाद से तिमारदार की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉक्टर से बदसलूकी की है। वहीं पुलिस ने मेडिकल कॉलेज बता दें कि प्रधानाचार्य में जब पूरी घटना पर फोन पर बताई तो प्रधानाचार्य भी अनसुनी करते नजर आए हैं, डॉक्टर का बचाव करते नजर आए। आप बता दें कि अपना अपमान होता देख उरई कोतवाली प्रभारी शिव कुमार ने लिखित शिकायत दी है। पीलीभीत में आम के बाग में बाघ डेरा जमाते नजर आए हैं। बता दें कि बाघ की चहलकदमी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से बाघ ने अपना डेरा जमाए रखा है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को भी दी है। सूचना के बाद से वन विभाग ने अनजान करता हुआ नजर आया है। वही बता दें कि बाघ की चहलकदमी से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसको वायरल भी किया गया है और बाघ की चहलकदमी से लगातार ग्रामीणों में एक दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा है। ललितपुर में भीषण सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पूरा मामला कोतवाली लाल बेहट के हाईवे NH44 गणेशपुरा पुल के पास का बताया जा रहा है, जहां 2 सगे भाई राकिब साहेब अपने एक अन्य साथी के साथ मथुरा से तेलंगाना गए हुए थे, जहां पर वे वापस लौटते समय ताल बेहट हाईवे NH44 पर गणेशपुरा पुल के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में राकिब और हसाकिब के मौत हो गई है, जबकि एक का इलाज झांसी के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।
वहीं उन्नाव में किसान की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि जानलेवा हमले में इस दौरान फरार अभियुक्त पर हत्या का आरोप लगाया गया है। दरअसल 3 दिन पहले ही रंजिश के चलते गांव में गोली चली थी और गोलीकांड में पुलिस ने युवक पर मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। वही घटना से पुलिस पर बड़ी लापरवाही का मामला भी सामने आ रहा है। से क्या चाहती योगी जी से क्या मांग करते हैं आप बताइए। वो तो मट्टी हो जाए, जैसे हमारे आदमी को हो जाए वैसे हो, मतलब उनका इनकाउंटर किया जाए। क्या मांग है आपकी? मऊरानीपुर सुरभि गौशाला के संचालक पंडित ब्रिजेश पाठक उर्फ कथौली महाराज ने स्वयं की भूमि पर 3 कोल्हा लगाए और साथ ही जिसमें शुद्ध तेल निकलेगा। उनका कहना है कि यह कोल्हा की लागत सिर्फ 30 से 40 हजार तक आती है। तो आपके द्वारा जो बुंदेलखंड में जो कोल्हू का निकाला गया, इस पे क्या कहेंगे आप? इसको कैसे, क्या जनता के बीच में रखा गया इसको? इसको अगर आप लोग चाहेंगे ना तो बुंदेलखंड में जो बहुत बड़ा काम हो जाएगा और युवा के लिए बहुत बड़ा काम मिल जाएगा। तो ये युवाओं के लिए क्या काम रहेगा, कैसे क्या काम करेंगे ये लोग? युवा चाहेंगे तो अपने घर पर वो लगा सकते हैं, छोटी सी जगह चाहिए, बहुत कम पूंजी का काम है। और जो वो युवा बनाएंगे ना तो वो इससे अमृत देंगे, समझ लो मार्केट में अगर वो देते हैं तो ये अमृत के समान है। इसमें तेल को लेके क्या रहेगा, इसमें निकलेगा तो किस किस चीज़ का तेल निकलेगा, कैसे वो जाएगा आपके व्यापारियों पर? इसमें सभी चीज़ों, तिल है, मूंगफली है और सरसों है और गरी है, आप जिस चीज़ का तेल चाहेंगे वो निकलेगा इसका। और बता दें कि मऊरानीपुर का पूरा मामला आपको बता रहे थे, जहां पर कोल्हू लगाया गया था और इस कोल्हू से शुद्ध तेल निकल रहा था, जिसको लेकर बता दें कि लगातार इस काम को लेकर काफ़ी सराहनीय पहल की गई है। और अब खबर आपको ललितपुर से बता दें, जहां पर ललितपुर शहर के बीच चौराहे पर एक कार ने तांड मचा रखा है और अनियंत्रित का होकर कार केक की दुकान में घुस गई और 2 मोटरसाइकिल को अपने चपेट में ले लिया। गनीमत यह रही कि कार की चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा शहर के बीचों बीच हो सकता था। सामने से गाड़ी ने मार दिया। और ये पूरा मामला ललितपुर से है, जहां पर बता दें कि ये जो कार है ये अनियंत्रित होकर एक केक की दुकान में घुस गई, जहां पर बता दें कि दो बाइक को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। और इस दौरान गनीमत ये रही कि इस जो हादसे है उसमें किसी की हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने आया है कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मामला, अगर इस मामले में किसी की हताहत हो जाती तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी सवालों के घेरे में आता हुआ नजर आता। और साथ ही बता दें कि ये खबर जहां पर ललितपुर की, जहां पर ये जो कार है ये केक की दुकान में अनियंत्रित होकर घुस गई थी और इस दौरान 2 मोटरसाइकिल को भी इसने अपने चपेट में ले लिया था। साथ ही बता दें कि इस मामले में अब तक किसी की हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। वही फरीदाबाद में दबंगों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। देर शाम अंडे की ठेली पर अंडा खा रहे एक युवक को दबंगों ने बुरी तरह से पीटा है और तमंचे के बट से मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद से पीड़ित थाने पहुंचे, जहां पर उसे घटना में लिखित शिकायत दी है। वही घटना फरीदाबाद के थाना लाइन पारा क्षेत्र के रामनगर की बताई जा रही है। रामनगर में अंडे के ठेले पर अंडे खाते वक्त एक युवक को कुछ लोगों ने शराब के नशे में पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। वही चंदवार गेट रेलवे पुल के पास से रहने वाला मोहित पुत्र उमेश चंद्र का आरोप है कि बीते शाम एक ठेले पर अंडे खाने आया था और कुछ लोग वहां पर शराब के नशे में ड्रिंक कर वहां पहुंचे थे। जब वहां से वे निकला तो धक्का मारा गया और उसके साथ ये बुरा व्यवहार किया गया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।